आप भी बहुत बड़े खिलाड़ी हो अंजना जी, मैं जो पूछ रही हूँ वो बता। स्पीक, बहुत बोलते हो आप, बहुत बोलते हो। लाल किले पर पहुंचे, लाल किले पे, लाल किले पे। अच्छा, ये शब्द कहाँ से आया? मवाली इतना बड़ा विषय हो गया, तमाम देश जो है उसकी जाँच करा रहे हैं। हमारी सरकार जाँच से क्यों भाग रही है? पेगासस कांग्रेस ने खरीदा है क्या? आज की इस वीडियो में बात आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप की करते हैं। गोदी मीडिया की डिबेट में ज्यादातर सवाल विपक्ष से ही होते हैं। आज की वीडियो में अंजना ओम कश्यप की वह डिबेट देखेंगे जिनमें विपक्षी नेताओं ने अंजना के सवालों पर करारा जवाब दिया हो। आज तक पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में 26 जनवरी की घटना का जिक्र कर कुछ सवाल किसान नेता राकेश टिकैत से किए, जिस पर अपने जवाब में राकेश टिकैत ने अंजना को चुप करवा दिया। अगर 26 जनवरी की हिंसा के बाद कोई हिंसा नहीं हुई, 26 जनवरी में हिंसा नहीं हुई ना, ना? अच्छा, आपको बड़ा अच्छा लगा जब लाल किले पर पहुंचे, लाल किले पर, मवाली, लाल किले पे। अच्छा, ये शब्द कहाँ से आया? मवाली, अरे लाल किले पर जो चढ़े, जिन्होंने तिरंगा के साथ वहाँ पर, नहीं कोई छेड़खानी नहीं करी, क्या बात कर, क्या करा बताओ, क्या एक धार्मिक झंडा वहाँ नहीं लगाया? नहीं, धार्मिक हर धर्म का व्यक्ति, झंडा, एक सेकंड सर, देश का लाल किला जहाँ पर जिस प्राचीर से प्रधानमंत्री हर साल में, और वो किस पार्टी का नहीं होता, वो प्रधानमंत्री होते हैं देश के, वो तिरंगा लहराते हैं, वहाँ पर जाकर कोई भी अपना धार्मिक झंडा गाड़े, ऐसे तो फिर सारे धर्म वाले जाके करेंगे? अपनी जानकारी करेक्ट करो, तिरंगा वहां का वहीं लगा हुआ है, एक खाली लोहे का पाइप पे कोई धार्मिक ध्वज लगाना, हाँ। उसकी कोई धारा बनती हो तो उस पे अपराध लगा लो, हाँ। कौन सी धारा ही बने? आप मुझे बताओ ना, या तो वो किसान थे, मैं कह रहा हूं, या वो बीजेपी के लोग थे, क्या थे? सरकार उनको वहां लेके गई लाल किले पे, लाल किले ने कोई पार्लियामेंट वो कानून बनाए हमारे? अगर हमको जाना होता तो हम पार्लियामेंट में, लाल किले पे क्या लेने जाते हैं? आज तक पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने किसान संसद का जिक्र कर सवाल आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान से की, जिस पर भगवंत मान कृषि कानूनों को वापस लेने की बात करने लगे, जिस पर एंकर ने भगवंत मान को टोक, जिसका भगवंत मान ने करारा जवाब दिया। अंजना जी ये बता दीजिए, साजिया जी बैठी है सरकार की तरफ से, वो रिप्रेजेंटेटिव है, कि जिसके लिए कानून बनाया है कि हम इनकी जिंदगी बदल देंगे, जब वो ही कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ये कानून, तो इन कानूनों को रद्द करने तो का नुकसान है भगवंत जी, इसका मतलब कोई और है जिसको नुकसान हो रहा है? अगर ये जो किसानों के प्रतिनिधि हैं जिनके साथ कृषि मंत्री की बैठक हो रही है, रही है ना? वो तो कह रहे हैं कि आप तीनों कानून वापस लो वरना बातचीत ही नहीं होगी, तो ऐसे ऐसे कैसे रास्ता निकलेगा? और मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया सर। भगवंत जी, आप तो शब्दों के इतने बड़े बाजीगर हो सर, इतने बड़े खिलाड़ी हो, एक से एक भाषण देते हो आप, क्या, मेरे क्या, एक सवाल का जवाब देश में पहले कोई, तुसी एक सवाल का जवाब दो ना। अंजना अंजना जी, आप भी बहुत बड़े खिलाड़ी हो, मैं आप भी बहुत बड़े खिलाड़ी हो अंजना जी, मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ। स्पीक, बहुत बोलते हो आप, बहुत बोलते हो, थोड़ा मौका तो दे दो, बहुत बोलते हो आप, एक मौका तो दे दो। पार्लियामेंट में स्पीकर हमें मौका नहीं देता क्योंकि हम छोटी पार्टी हैं, यहाँ आप नहीं मौका देते। आज तक पर उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में जासूसी का मुद्दा का जिक्र हुआ। इस पर अंजना ओम कश्यप ने कांग्रेसी प्रवक्ता आलोक शर्मा को अपने सवालों में घेरने की कोशिश की, पर आलोक शर्मा ने अंजना को ही सुना दिया। अगर आपका मोबाइल टैप हो रहा है या उस हैक हो रहा है सर, फोरेंसिक्स के लिए दीजिए ना, FIR दर्ज कराइए जाके थाने में, जाकर खाली सिर्फ माहौल बनाने से क्या होगा? जाइए आप थाने में जाकर मोबाइल दीजिए फोरेंसिक्स जांच के लिए, आपको FIR दर्ज करानी होगी ना, बिना FIR के कैसे जांच होगी? अरे सुनिए ना अंजना जी, इतना बड़ा विषय हो गया, तमाम देश जो है उसकी जांच करा रहे हैं। हमारी सरकार जांच से क्यों भाग रही है? पेगासस कांग्रेस ने खरीदा है क्या? पेगासस तो सरकार ने खरीदा है ना, प्रूव कर दिया पेगासस खरीदा है। आज रखिए, आज तक के हल्ला बोल में रखिए प्रूफ। प्रूफ भी, एक मिनट अंजना जी, प्रूफ भी विपक्ष करेगा, नहीं नहीं प्रूफ भी विपक्ष करेगा, और तड़ीपार की पुलिस को जाकर हम अपना, एक मिनट अंजना जी, तड़ीपार की पुलिस को हम जाकर, तड़ीपार की पुलिस को हम जाकर अपना मोबाइल दे दें, और वो पुलिस चार दिन बाद कहे कि इसमें तो कुछ भी नहीं था, फिर आप रोज हल्ला बोल करें, दो दिन का प्रोग्राम कि कांग्रेस नौटंकी कर रही थी। अब तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है ना आलोक जी, अब तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट तो जांच एजेंसी है क्या? के साथ एक बार सोचिए तो, एक सेकंड शांत होकर। पेगासस स्पाईवेयर के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कांग्रेसी प्रवक्ता से जासूसी के मुद्दे पर सवाल कर उलझाने की कोशिश की, पर कांग्रेसी प्रवक्ता पवन खेरा ने अंजना को अपने जवाब से चुप करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट देखिए, एक के बाद एक झूठ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरे सर, हाँ, एक बार एजेंसी का नाम बताइए ना, कौन सी एजेंसी की जांच आपको मंजूर होगी? एक सेकंड, नहीं अंजना जी, वो कुछ भी बोल दे उसका मैं जवाब भी नहीं दूं, तो क्या दर्शक तो ये मानेंगे कि वो सच बोल रहे हैं? मुझे ये सवाल तो टैंजिबल है ना सर, कि जांच हो, जो घर में बैठा है हर कोई अपने फोन को लेकर आजकल बड़ा चिंतित रहता है कि कोई हैक तो नहीं कर रहा, या तो आप ही बताइए ना कि कौन सी एजेंसी की जांच चलेगी, NIA करे, CBI करे? जी पूछा कौन सी एजेंसी अगर जांच करे, तो आज बड़ी स्पष्ट बात हमने कही
कि भाई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को इस जांच में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये गुजरात मॉडल पुराना है, मोदी और शाह का मॉडल ये कोई नया नहीं है, पुराना है, स्नूपिंग का कोई पुरानी आदत है इनकी स्नूपिंग की। अरे आपको, हम सबको चिंता होनी चाहिए, महिला पत्रकार, महिला सदस्य घरों की, अफसरों की पत्नियां, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनके मोबाइल के आप कैमरा ऑन कर देते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए अगर गलत है तो गलत है। हम उम्मीद करेंगे कि अंजना ओम कश्यप जनता से जुड़े मुद्दे अपने डिबेट में उठाएंगी और बीजेपी नेताओं को अपने सवाल में घेरने की कोशिश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.